गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज वर्षा पठारे। वेलकम टू रघुवंश कॉन्वेंट्री स्कूल, क्लास 8, सब्जेक्ट है हिंदी, चैप्टर है लेवल। ये चैप्टर मैं पढ़ा चुकी हूँ, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। ये चैप्टर आधा मैंने आपको कंप्लीट कराया था, थोड़ा सा और कुछ उसका शेष रह गया था, तो उसको आज अपन कंप्लीट करेंगे। देखिए, इसके 2 पेज आपके कंप्लीट हो चुके थे। ये क्या था, मूवीज के बारे में बताया गया है इसमें। जैसे पहले जो फिल्में थी वो कैसी होती थी, मूक, मतलब उसमें कुछ भी आवाज नहीं आती थी, वो बिल्कुल आवाज रहित थी, उसमें आवाज नहीं थी। पर धीरे धीरे जब अपने देश का विकास हुआ तो 14 मार्च 1931 को एक मूवी रिलीज हुई, उसका नाम था आलम आरा। क्या नाम था, आलम आरा। ये फर्स्ट मूवी थी जो बोलती फिल्म, मतलब इसमें आवाज भी सुनाई देती थी हमें। तो इस मूवी उस समय जो फिल्में थी उनके बारे में बताया गया है कि पहली मूवीज ये थी, पहली फिल्म कैसे क्या हुआ, कैसे आगे बढ़ी, इसमें किसने काम किया, किसने क्या हुआ, तो उसके बारे में चैप्टर है आपका। देखिए, इसके बाद ये 2 पेजेस में करा चुकी थी, पेज नंबर 61 से देखेंगे अपन। नायिका जुबेदा थी, नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया था, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में भी सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहरा मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। यह फिल्म 14 मार्च 1931 में मुंबई के मैजिस्ट्रेट सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और बड़ी और भारी इतनी उमड़ी और इसमें क्या है भीड़ इतनी उमड़ी भारी भीड़ रही इसमें कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटिस फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखी और अद्भुत थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीने की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। सावक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इसके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान, इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सावक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। सावक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत
करवाने वाले निर्माता निर्देशक आर्देश इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने सम्मानित किया गया जब उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सावक फिल्मों का पिता कहा गया तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोल लेते, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। जब मूक फिल्में चलती थी उस दौरान तो पहलवान जैसे और पहलवान जैसे शरीर वाले स्टंटमैन करवाने वाले उछल कूद करवाने वाले अभिनेता से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सावक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जब प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ, सिनेमा ज़्यादा देसी हुई, एक तरह की नई आज़ादी थी, जिससे आगे चलकर हमने दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थी। आर्दिश ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, वर्मा और पश्चिमी एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमाओं के जनक फाल्के को सावक सिनेमा के जनक आर्देश ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा एक नया युग शुरू हो गया था। सिनेमा का एक इससे क्या हुआ, जो बोलती सिनेमा थी उससे एक नया युग शुरू हो गया था। पहले कैसी बनती थी फिल्में, पहली मूक फिल्म बनती थी, सिर्फ एक्टिंग की जाती थी, बोला नहीं जाता था, मगर थोड़े दिन बाद ये फिल्में कैसी हो गई, बोलती फिल्में हो गई। तो इसके बारे में ये चैप्टर था, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका जो PDF है मैं जल्दी आपको सेंड करूँगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, स्टे होम स्टे सेफ।